नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए एपिसोड मोबाइल रिपेयरिंग टॉक्स पे। तो चलो हम शुरू करते हैं, आपके क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है राहुल कोंकणे जी पूछते हैं वोल्ट और एम्पियर में क्या फर्क होता है। तो राहुल जी, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये आप इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट करेंगे तो पहले सबसे पहले यही सब क्वेश्चन आते हैं, यही सब आपको पढ़ने मिलता है। तो मैं बता देता हूँ, ये एम्पियर क्या है। एम्पियर करंट का यूनिट को हम एम्पियर बोलते हैं। जो करंट का यूनिट है उसे हम एम्पियर। अभी करंट क्या है, करंट समझो एक रुकी हुई चीज है। करंट एक रुकी हुई चीज है, उसको आगे बढ़ने के लिए, करंट जो है वो रुका हुआ है उसको आगे बढ़ने के लिए उसमें पावर चाहिए। वो तभी आगे बढ़ सकता है जब उसमें पावर हो। तो उस पावर को हम बोलते हैं वोल्ट। करंट को बहने के लिए, चलने के लिए आवश्यक बल को हम बोलते हैं वोल्ट। तो ये जो आवश्यक बल है उसे हम बोलते हैं वोल्ट। तो वोल्ट और एम्पियर दोनों अलग अलग है। करंट का यूनिट एम्पियर है और वोल्ट जो उसको बहने के लिए, चलने के लिए जो उसको पावर चाहिए होता है उसे हम बोलते हैं वोल्ट। हम बोर्ड में जो पीसीबी हमारा होता है, पीसीबी में हम जो भी चेकिंग करते हैं वो वोल्टेज में ही चेकिंग करते हैं। तो उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है सुहास पोटे पूछते हैं सर, अगर बोर्ड शॉर्ट नहीं बता रहा है तो फिर भी आईसी खराब हो सकता है क्या। देखिए सुहास जी, बोर्ड शॉर्ट होना मतलब, शॉर्टिंग होना मतलब दो कनेक्शन जुड़ जाना है, पॉजिटिव निगेटिव कनेक्शन को जुड़ जाने को हम बोलते हैं मोबाइल फोन शॉर्ट होना। अभी एक तो शॉर्टिंग होता है, बोर्ड शॉर्ट होता है, दूसरा बोर्ड ओपन हो सकता है। तो बोर्ड ओपन होना मतलब क्या होता है, एक ही कनेक्शन बीच में से ब्रेक हो जाना, उसे हम बोलते हैं ओपन होना। तो आईसीस भी ओपन हो सकती है, शॉर्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड शॉर्ट है, लेकिन आईसीस ओपन होने की कंडीशन में हमें शॉर्टिंग नहीं मालूम पड़ता बोर्ड में, और हमें ये नहीं मालूम पड़ता कि आईसीस ओपन हो चुकी है। इस टाइम उसमें क्या करते हैं, आईसीस को हल्का हीट दे के देखते हैं कि अगर वो ओपन हो चुका, आईसीस कोई बॉल ओपन हो चुका तो वापस वो जुड़ जाए। तो उसे हम हीट दे के, अब वो आईसीस पे डबल टेप लगा के या तो हिक्सिंग टेप लगा के हम उसको हीट दे सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आईसीस वापस जुड़ जाती है, अपने बॉल पे वापस जुड़ जाती है। तो ये ओपन होने की कंडीशन में आपको शॉर्ट नहीं दिखाई देता, बट वो आईसीस खराब, ओपन होने की वजह से वो खराब होती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कमलेश कुमार ने। कमलेश कुमार जी पूछते हैं ओप्पो और वीवो के ब्रांडिंग बोर्ड लगाने से कितना पैसा मिलता है। देखिये कमलेश जी, ये ओप्पो और वीवो के, जैसे ओप्पो और वीवो के हमारे शॉप में भी अभी रिसेंटली हमने भी लगाया है, तो इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें दो तीन अलग अलग टाइप होते हैं। एक तो अगर आपका शॉप बड़ा है तो उसमें सैमसंग भी आके ब्रांडिंग करता है और वीवो भी आके ब्रांडिंग करेगा और भी सब कंपनीज आके ब्रांडिंग करती है, अपना अलग से स्टाफ रखती है, वैसा होता है। और उसके बाद वो अगर आपका खुद का शॉप है, अगर आप ऊपर उनका ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो वो अलग उसका पे देते हैं। ऐसे बहुत मैंने सुना है कि सब लोग बोलते हैं 30,000 मिलता है, 40,000 मिलता है, ये गलत बात है। ये आपको ये लोकेशन के ऊपर मिलता है, इनका जो होर्डिंग्स लगते हैं, जो बोर्ड लगते हैं, चाहे वो मोबाइल की दुकान ही ना हो, तो हर जगह लग रहा है। अभी मोबाइल की दुकान के अलावा भी अलग जनरल स्टोर है, उसके ऊपर भी वीवो का बोर्ड दिखाई दे रहा है और ओप्पो का बोर्ड दिखाई दे रहा है, सैमसंग के बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो इनके जो ब्रांडिंग के पैसे होते हैं वो 30,000-40,000 नहीं मिलते हैं। बोर्ड वो लोकेशन और बोर्ड के साइज के, ब्रांडिंग के साइज के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको कितना पे मिलेगा। अगर आप नॉर्मली देखा जाए, ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 10,000 रुपीज ही मिलता है, और 10,000 to 15,000 रुपीज तक मिलता है। इसके अंदर अगर आपका वैसा मिल रहा है 15,000 रुपीज तक मिलता है, बट इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है वो इंक्लूडेड होता है। समझो 12,000 रुपए अगर आपको बोर्ड का मिल रहा है तो समझो 3,000 रुपीज आपको इलेक्ट्रिक का चार्ज मिलता है, कि आपको जो इलेक्ट्रिक वेस्ट होगा वो बोर्डिंग में लाइट के लिए, तो उसका आपको 3,000 रुपीज मिलता है। तो समथिंग ऑलमोस्ट 10,000 to 15,000 रुपीज बोर्ड के मिल जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है राकेश कुमार पूछते हैं सर सॉफ्टवेयर के वीडियोस कब से मिलने वाले हैं। देखिए सॉफ्टवेयर के जल्दी से जल्दी मैं वीडियोस बना, मेरे पास पड़े हुए हैं एफआरपी के, ये सब के वीडियोस पड़े हुए हैं, बट मैं वो वीडियोस तो नहीं डालूंगा एफआरपी के।
बट और भी जो मेरे पास वीडियोस पड़े हैं, अपग्रेड कैसे करना है, डाउनग्रेड कैसे किया जाता है मोबाइल फोन को, और ये सब के और भी मेरे पास बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं सॉफ्टवेयर के, मैं जल्दी से जल्दी से अपलोड करना चाहूँगा। थोड़ा उसमें एडिटिंग बाकी है, उसको मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं हर हफ्ते कुछ नए नए वीडियोस आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड, मैं हर हफ्ते एक वीडियोस में यही कोशिश करूँगा कि हर वीडियोस आपको एक या दो वीडियोस मैं आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ ना कुछ दे सकूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं रोजाना आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस लाके देता रहूंगा, ऐसे ही आपको अपग्रेड करता रहूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।